सांस टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लुधियाना नगर निगम चुनाव के लिए नई वार्डबंदी में 75 वार्डों से 95 वार्ड हो गए हैं और अब शहरवासियों को इंतजार है निगम चुनाव के ऐलान का। पार्षद बनने का सपना सजोए बैठे दावेदारों ने खुद ही अपनी उम्मीदवारी घोषित कर अपने अपने वार्डों में बोर्ड लगा दिए, इलाके के लोगों की सेवा में हाजिर रहने के दावे करने शुरू कर दिए हैं। जो नेता 5 साल से दिखे नहीं उन्होंने भी बोर्ड लगाकर वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। इन नेताओं ने चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो वहां अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोका है, वहीं पार्टी के अनुशासन को तोड़कर ये साबित कर दिया है कि वो पार्टी से बड़े हैं और पार्टी को उन्हें टिकट देना ही पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टिकट के चाहवान दावेदारों पर पार्टी भरोसा जताती है या इन दावेदारों के इलाकों में सेवा में हाजिर रहने के बोर्ड ही लगे रह जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अकाली दल के शहरी प्रधान व पूर्व विधायक रंजीत सिंह ढिल्लो का कहना है कि अपनी पार्टी की उम्मीदवारी का दावा करना गलत नहीं, पर बोर्ड लगाकर दावेदारी करने के मामले पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। जो देखो जो वार्डा दे मेहनत करते ने बड़े लंबे समय तो लोग जुड़े हुए ने पार्टी नाल भी शफा दे रह के सेवा करते ने वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे ने महसूस करते ने भी सानू मौका मिलना चाहिए क्योंकि अजकल दिखावे का जमाना हरेक बंदा कोई ना कोई रूप दे अपने आप नू दिखाना चाहता भी मेरी भी मैं भी हैगा वा मेरी भी इतने सेवा वा मैं भी इन्हां लोगों का विचरदा मेरी भी इतने मंग वा भी मैं भी इलेक्शन लड़ सकां। इस करके उन्होंने इस रूप च लोगों ने वोट वगैरह लाए ने तो कोई नहीं चलो डिसिपलिन की तो कितना कितने थोड़ा मोटा फर्क तो पैंदा पर क्योंकि असी जिन्हें मेहनत करने वाले अपने वीरां अपने परिवारों अपने साथियों नाम नहीं कर सकते नहीं किसी हद तक इन्हू गलत भी कह सकते हैं सही भी है क्योंकि यह ट्रेंड है। एक सांझ टीवी की खास रिपोर्ट। सांझ टीवी सबसे आगे सबसे पहले बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए।